हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे सफ़र में, इट सफ़रनामा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ग्वालियर में आज आपको ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जैसा कि पहले हमने देखा बैजाता, और क्या क्या रूप हैं और किसने बनवाया था, सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं इधर की जानकारी दे रहा हूँ और ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है, मुझे मिल रही है, आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करें। तो चलते हैं, क्या है जानकारी, क्या है नाम, पूरी जानकारी हम लेते हैं। आइए, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ग्वालियर की खूबसूरत जगह पर हैं, ग्वालियर की खूबसूरत लोकेशन पर हैं। क्या नाम है इसका मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेशन से बौड़ापुर तक आना होगा। ये बौड़ापुर स्थित जनकताल है। ये 200 वर्ष पुराना है। सिंधिया राजवंश घराने के द्वारा ये बनवाया गया था। ये किसकी याद में बनवाया गया था? जनकोजी राव सिंधिया की याद में इस तालाब का निर्माण कराया गया था। क्या क्या है और खास, सारी जानकारी हम आसपास जाकर और घूम कर लेंगे। इस तालाब के बीच में क्या है, कितने बीघा में बना हुआ है, सारी जानकारी हम लेते हैं नीचे जाकर। तो चलते हैं। ये जनक ताल का प्रथम द्वार है, यहां से मैं नीचे जा रहा हूं और यहाँ की और खासियत जो है वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है, एक पटिया जैसी बने हुए हैं। कौन सा पत्थर इसको बोलते हैं जानकारी तो नहीं है, पर सिंधिया घराने द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जनकोजी राव सिंधिया, उनका ग्वालियर में 1827 से लेकर 1857 तक उन्होंने ग्वालियर में शासन किया। ये जनकताल जो है उन्हीं की याद में बनवाया गया है। सिंधिया घराना जो है, राजघराना जो है, वो यहाँ पर अपनी पिकनिक बनाया करते थे। मैं आपसे अभी भी कहूँ कि ये लोकेशन बहुत प्यारी है, जगह है। इसके अंदर ये जो आप सामने देख रहे हैं बारादरी इसको बोलते हैं, ये पूरे तालाब में 5 बारादरी हैं। जैसा कि एक ये है, दूसरी ये है और 3, 4, 5 भी ये अंदर है। ये 3 मंजिल गहरा है, ये आप जो देख रहे हैं इसके अंदर 2 या 3 मंजिल और हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर से सीढ़ियां हैं और मुझे जानकारी भी मिली थी उसके बारे में। मैं और करीब से आपको बता दूंगा, जैसे कि ये 5 बारादरियां हैं, कौन कौन सा पत्थर का निर्माण किया है और डिजाइन किया गया है, सारी जानकारी हम लेंगे। और ये 10 बीघा में पूरा बना हुआ है। पूरा आप जो देख रहे हैं आसपास वो मंदिर देख रहे हैं और ये पहाड़ देख रहे हैं। ये पहाड़ जो बना है, अमरावत पर्वत इसको कहते हैं। उस एक जानकारी और देना चाहता हूँ, गर्मियों के दिनों में ये पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसका स्तर और बढ़ जाता है। ये आसपास जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, ये हरियाली जब होती है, जब बारिश होती है, तो और भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को हमें मिलता है। अब चलते हैं थोड़ा सा करीब और जानते हैं अंदर क्या क्या है और आज किस तरह से इसकी हालत है। आइए, इमारत को मैं करीब से दिखाता हूँ। जो अच्छा है वो अच्छा दिखेगा और जो बुरा है वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ देख रेख नहीं है, तो मैं वही दिखाऊंगा जो है। पर ये देखने लायक तो है, और अगर हमारी सरकार, हमारी प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो ये इमारत एक अपने वही स्वरूप में आ सकती है और आपका इंतजार कर रही है। मैं वो निवेदन करना चाहूंगा वो गवर्नमेंट से, ग्वालियर की गवर्नमेंट से या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से, कि वो यहाँ ख्याल रखे। बाकी आइए और जानते हैं और करीब आए। मैं वैसे इस चीज को दिखाता नहीं, पर अभी जो हालात हैं मैं वो दिखा रहा हूं। यहां पता नहीं कितनी गंदगी है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, पर इस दीवारों को आप देख सकते हैं, ये काली हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने आग जलाई है, किसी ने पॉलीथीन जलाई है। इसकी देख रेख नहीं है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। इस तरह के यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पलस्तर किया गया है, और ये छत उसी समय की है, 200 वर्ष पुराना। और यहाँ से एक, जैसे हम विंडो देख सकते हैं, खिड़की बनी हुई है। और किस लिए बनवाया था, हालांकि ये सिंधिया घराने का एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ लोग आते थे, सिंधिया घराना के लोग जो 5 दिवसीय होली समारोह का आयोजन किया करते थे, यहाँ आकर वो लोग
नाचते थे, गाते थे, और यहाँ हाथी, बैल, और थोड़ी सी जानकारी ये भी है कि यहाँ दूर दूर से और भी उनके रिलेटिव जो राजा महाराजा हुआ करते थे, हाथी घोड़ा से आते थे, यहाँ साजो सज्जा के साथ बहुत भव्य आयोजन किया करते थे। चलिए थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। आइए, मैं ये सोच रहा हूं कि काश आज यहाँ प्रशासन हमारा ध्यान देता तो ये बहुत अच्छा नजर आ रहा होता। मैं इन इमारतों पे खड़ा हुआ हूँ, इस ताल पे खड़ा हुआ हूँ, बस बार बार यही ख्याल आ रहा है क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर भी मेरा बताने का काम है, यहाँ की मजबूती, यहाँ के पत्थर बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यारी कारीगरी यहाँ लोगों ने की है। इस तरह से पुराने डिजाइन जो होते थे, इस तरह का एक मंदिर जैसा डिजाइन दिया गया है, बहुत प्यारा है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये सेम डिजाइन है जैसा मैंने वो दिखाया था। आइए इसके और चलते हैं करीब, जानते हैं। ये नजारा और दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा और करीब से। जो मैं 5-12 दरी की बात कर रहा था वो ये है, जैसे कि सेंटर में भी देख रहे हैं आप और आसपास आप देख रहे हैं। सेंटर में तो मैं नहीं जा सकता, ये सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ये बहुत गहरा है, 3 मंजिल तक ये गहरा है। और कुछ जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ एक पास में मंदिर है, शायद हमें कुछ और जानने को मिले और इसकी जानकारी पूरी लेते हैं। चलिए मैं आपको और पास लेके चलता हूँ। जैसा कि ये 10 बीघा में बना हुआ है, पूरा एक सर्कल में है, और इसकी हालत आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कीचड़ और ग्रीन जैसा हो चुका है, यहाँ गंदगी है। यहाँ पहले मूर्तियों का भी विसर्जन होता था, वो तो बंद करा दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ पॉलीथीन वगैरह बहुत कचरा रहता है। और यहाँ पर मैं क्या क्या यहाँ बोलूँ, जो गंदगी है वो जो मैं देख रहा हूँ मैं वो बयां नहीं कर सकता, पर बस इतना ही कहूँगा कि है तो देखने लायक, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये गंदा होता जा रहा है। चलिए हम करीब चलते हैं वो इमारतों के पास जो हमारे राजा, हमारे सिंधिया घराने द्वारा बनाया गया था और बहुत प्यारा है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलते चलते आ चुके हैं और यहाँ पर इस तरह की सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, हम नीचे जा सकते हैं। और ये चारों ओर इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हैं, ऊंची ऊंची हैं, और यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। फिलहाल तो मुझे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है और यहाँ साफ सफाई भी नहीं है, तो सिर्फ एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ की लोकेशन का बता रहा हूँ, यहाँ का एक इतिहास बता रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं ये पूरा तालाब, ये ताल, जनक ताल जिसको कहते हैं, जीवाजी राव सिंधिया जी ने अपने पिताजी के नाम पर इसको बनवाया था, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, जनकोजी राव सिंधिया। एक और छतरी के पास हम चलते हैं जिनको बारादरी बोलते हैं, और ये इस तरह की 5 बनी है, जैसे कि पहली छतरी मैंने आपको दिखा दी है, दूसरी ये है, तो इसमें क्या क्या है और करीब से जानते हैं। पस्त हो चुका है, दीवालें थोड़ी सी क्रैक हो चुकी हैं, कट चुकी हैं, पट्टियां नीचे आ चुकी हैं, और करीब आई भैया, और मैं यहाँ एक सीढ़ियां हैं जैसा मैं दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, ये वो रास्ता है जो तालाब में नीचे जाता है, हम अंदर तो नहीं जा सकते, पर हाँ यहाँ से नीचे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। आइए, और ये आपके लिए कर रहा हूँ, हो सकता है क्या है नीचे, कैसा है नज़ारा, मुझे नहीं पता, सिर्फ आपके लिए। तो इसके लिए आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं ग्वालियर शहर में, चलिए जानते हैं इस इतिहास को। वाह, हम थोड़े से और करीब आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, तो जैसा कि जो सीढ़ियों की बात कर रहा था मैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं जो करीब करीब यहाँ पहुँच चुकी हैं, और अंदर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं इस छतरी की आपको बात करता हूँ, आइए यहाँ पर। यहाँ से रास्ता उस साइड से है जो कि मैं पॉसिबल नहीं है कि वहाँ तक जा सकूँ, पर मैं यहीं से बता देना चाहता हूँ, और मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा क्योंकि पुराना ज़्यादा है, डर भी है। मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत पत्थरों से, जो मोटे पत्थर होते हैं एकदम, जिनसे मूर्तियाँ शायद बनाई जाती हैं, वो पत्थर हैं, उन पे
काट के पत्थरों पर कारीगरी करके उनके एक नकाशी दी गई है, डिज़ाइन दिया गया है, एक पुराने डिज़ाइन दिए गए हैं, जिस तरह से मंदिर में देखते हैं ये लोटस का जैसा दिया गया है, जो कमल का फूल होता है उस तरह का एक डिज़ाइन दिया गया है, इस तरह के कमल का फूल जो खिलता है और ऊपर जो खिलता है वो भी अगर वहाँ दिख रहा है तो भैया ठीक है, नहीं तो आप पास में आकर इनको दिखाइए, क्योंकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचनी चाहिए कि है क्या ग्वालियर में, क्या क्या खास है। ये पत्थर की कटिंग भी बहुत प्यारी है, अंदर की पट्टियों को थोड़ा सा जो पलस्तर या कुछ होता है वो झड़ चुका है, और इस तरह के डिज़ाइन ही सारी इमारतों में बने हुए हैं। थोड़ा सा और करीब चलते हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा मकसद है। और यहाँ पर बहुत गंदगी है, थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए कि हम जो ब्लॉगर जो ब्लॉग बनाते हैं तो हम ये दूर दुनिया तक जाता है तो क्यों इसका ख्याल नहीं रखा जाता। हमारा काम है एक अच्छी चीज़ को बताना, और हमारे लिए सारी चीज़ ग्वालियर में जो है, मैं ग्वालियर के ऊपर काम कर रहा हूँ और जगह भी जाता हूँ, तो मेरा मकसद है कि जानकारी लोगों तक पहुँचे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन तक वो मैसेज जाना चाहिए कि हमारे ग्वालियर में क्या क्या है। मैं ये बता दूँ कि यहाँ थोड़ा सा रखरखाव कम है, फिर से बोलना चाहूँगा, बस अगर आपको तारीफ करना है तो इन इमारतों की करना है, उन राजाओं की करना है जिन्होंने इस तरह की इमारत बनाई है और उन्होंने पहले बहुत अच्छा ख्याल रखा था। इस समय नहीं है, चलिए आइए और पास, और बिल्ली रानी भी दिखी हमें, मुझे डर लग रहा था, पर चलिए थोड़ा सा पास आइए और थोड़ी सी बहुत शाम का समय हो चुका है, 5 के आसपास बज चुके हैं, हाँ तो हम थोड़ा सा जल्दी कवर कर लें, क्योंकि ये पुरानी इमारत है और ऐसा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर भी हमें जल्दी कवर करना है। देखिए वो बिल्ली मौसी बैठी है, मुझे देखती भाग रही है, और इन इमारतों की बात करें तो मैं अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और यहीं से आपको पूरी बात बता दूं कि ये इमारत बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा रखरखाव कम है, बार बार यही रिपीट करना पड़ रहा है, क्या करूं, रिपीट करना पड़ता है, साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने ब्लॉग में अक्सर यही कहता हूं कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, और यहां गंदगी देख के थोड़ा सा मैं अपसेट हुआ हूं, मैं बहुत प्यार से आया था कि इस ब्लॉग को बहुत अच्छा बनाऊंगा, इसकी पूरी जानकारी जैसे मैंने दी कि कितना वर्ष पुराना है, किसने बनवाया, और जैसे कि थोड़ा सा और करीब चलते हैं, आइए। होली मिलन समारोह हो या राजाओं की बैठक हो, जीवाजी राव सिंधिया जी ने अपने पिताजी के लिए जब इसको बनवाया होगा क्या सोचकर बनवाया था ये तो मुझे नहीं पता, पर आज मैं जो सोच रहा हूं उसके एकदम अपोजिट है। मुझे नहीं लगता कि आज यहां होली खेली जा सकती है, क्योंकि इसकी हालत उस लायक है ही नहीं, पर बार बार यही देखकर लग रहा है कि काश इस पर ध्यान दिया जाए और ये इमारत फिर से एक हंसती हुई नजर आए। इस तरह की जैसी मैं इमारत बता रहा था, 5 सेंटर में तो मैं नहीं जा सकता, मैं जो वृक्ष लगा हुआ है ये उसी के अंदर से निकला है, और ये अंदर सीढ़ियां गई हैं, इसके नीचे भी सीढ़ियां हैं, ये 3 मंजिल तक अंदर है, ये 10 बीघा में पूरा फैला हुआ है, आसपास पहाड़ है, झरने हैं, वृक्ष है, बहुत खूबसूरत जगह है, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत प्यारी जगह हो सकती है। मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ पे मंदिर के करीब चलते हैं, फिर मैं क्या है नया वो भी चीज़ दिखाऊंगा। ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो एक बैक साइड था जहाँ से मैं नीचे आया था, इसके जरिए ऊपर जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कहाँ निकलते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं पहली बार आ रहा हूँ और आपके लिए कुछ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और बस आपके खातिर ये कर रहा हूँ अपने सफर। और जैसे कि हर जगह इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, गेट जैसा नुमा बना हुआ है, और ये सर्कल बना हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो चीज़ दी गई है, क्या गणित होगा पहले के टाइम का नहीं पता, पर जैसे कि हर चीज़ में 8 कभी 7 फूल बने हैं, फ्लावर बने हैं, कहीं से हवा आती है। जब से मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया है तो कुछ इस तरह की आकृतियाँ मुझे दिखाई देती हैं, ये हर गेट पे बने हुए हैं, कुछ ना कुछ खास रहता है, इनका रीज़न क्या है नहीं पता। और जैसे गुलाब के फूल मैंने अक्सर इस तरह के महलों में, किलों में देखे हैं। चलिए आइए मिलते हैं, एक नज़ारा ये पूरा दिखा दीजिए आप, ये कितना बड़ा है, कितना लंबा है, ये आप भी देख सकते हैं। होगा जब राजा महाराजा यहाँ बैठा करते होंगे और होली का नज़ारा यहाँ से लिया करते होंगे, यहाँ बहुत दूर दूर से राजा महाराजा
आया करते थे। घोड़ा थोड़ा सा डरावना भी हो गया है और झाड़ियां भी लग चुकी हैं। आगे रास्ता नहीं है, वहां बंद हो चुका है और मुझे जाना है वहां तक। आपको दिखाना है वो जगह और उसके बाद चलते हैं मंदिर पर, वहां जानकारी लेते हैं कि ये और क्या क्या बयां करता है, ये क्या क्या बोल सकता है, ये तालाब ये क्या क्या अपनी कहानी बता सकता है। मैं किसी के जरिए जानना चाहूंगा अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो। चलिए चलते हैं हम ऊपर की साइड से और मैं वहां जाकर आपको और दिखाता हूँ कि क्या है वो। जनक ताल के पास ही गौशाला है, यहाँ हमारी गौ माता है, एक मंदिर बना हुआ है करीब, तो ये गौशाला है, यहाँ पर बहुत सारी गऊ हैं, तो इनके बारे में बाद में जानते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और करीब, मैं एक और है ये क्या है जानते हैं, थोड़ा सा अंदर कैसा है वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए थोड़ा सा सेफ्टी से आना होगा क्योंकि ये पत्थर निकल रहे हैं और सिर्फ ये तो मुझे नहीं पता चला कि ये है क्या। एक्चुअली इस तरह का एक होल बना हुआ है और इस साइड भी बना गया है, क्या बना है वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर ये पुराना है, हवा के लिए बनाया गया है या क्या हम सोच सकते हैं पता नहीं, पर आपको अगर जानकारी हो तो इसके बारे में बताना है, जिसने जानकारी रखी हो इतिहास के बारे में। तो इस तरह की ये दो चीज़ बनी है, क्या था डिज़ाइन मुझे नहीं मालूम। ये नीचे तक थोड़ी सी हवा भी वहाँ से आ रही है, मैंने अक्सर देखा भी है कहीं ना कहीं किले में ऐसी कुछ सुरंग बनी होती हैं जहाँ से हवा आती है, बुंडो बनी होती है जिसमें ऐसे पता ही नहीं चलता कि वो किस उद्देश्य से बनाई गई हैं। कभी कभार उसमें से हवा भी आती है या बातचीत करने के लिए भी एक ऐसा चीज बनाई जाती थी, वो इस तरह से है। चलो मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, एक कोशिश और करते हैं आपके लिए कि इसके ऊपर क्या है और यहाँ से क्या नजर आता है। बोलने में भी दिक्कत आने लगी क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, तो करीब आते हैं। ये सूख चुकी हैं झाड़ियाँ, इस पर झाड़ियाँ लग चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और करीब से जानने को मिले कितनी हाइट है, मतलब क्या सोचकर बनाया था ये तो वही लोग जानते हैं, पर जो भी बनाया ना सॉलिड बनाया था। मुझे आराम से जाना होगा, एक्चुअली पुराने जीने हैं, मेरा भाई चल रहा है वो भी आराम से आए, और सबसे पहले तो मैं अपने भाई को भी थैंक यू बोलूँगा, इस भाई को, ये मेरा बहुत सपोर्ट करता है और आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे चाहिए, मुझे बहुत आराम से जाना होगा। आ तो सकते हैं, थोड़ा सा नज़ारा वैसे ही खस्ता हालत है इस इमारत की, तो भाई आ सकता है कोई दिक्कत नहीं, इतनी हम दो लोग आ सकते हैं। और जो घूमने वाले लोग हैं मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि वो आए घूमने के लिए आए पर वो उस दृष्टि से ना आए कि यहाँ और भी अच्छा कुछ नज़र आ सकता है। पर हाँ, ये इमारत पुरानी है, यहाँ हम फोटोशूट कर सकते हैं या यहाँ की जानकारी, जैसे मैं आप बता रहा हूँ आपको कि 3 मंजिल तक वो जो आप देख रहे हैं ना वो अंदर सेंटर का, ये भी 5-12 दरी जिसको मैं बता रहा था ये उनमें से एक है, और आसपास आप जो देख रहे हैं वही है, 3 मंजिल नीचे तक है ये, बहुत ही विशाल है। और ये ताल जनक ताल जिसको कहा जाता है। और हाँ मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मेरा एक ब्लॉग है बैजा ताल के ऊपर, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, उसका इतिहास भी सिंधिया घराना से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत प्यारी जगह है, वहाँ आप लोग जा सकते हैं और नैनीताल का भी मज़ा ले सकते हैं। और रात मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जो इसका एंड है, मैं दिखा दूँगा आपको, ये जो है यहाँ जाएंगे, कितने दरवाजे बने हुए हैं आप वो सेंटर देख सकते हैं, ये जो नीचे देख रहे हैं ये पूरा अंदर है, यानी कि ये भी 3 मंजिल तक है, मतलब इसकी गहराई अंदर बहुत है, ये बहुत 200 वर्ष पुराना है, 250 वर्ष पुराना है ऐसे बताते हैं, मुझे 200 वर्ष का पता है। और वहाँ मंदिर है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलते हैं करीब, आ जाइए और जानते हैं करीब से, थोड़ा सा और रह गया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जानकारी देना मेरा फर्ज है, आधी अधूरी जानकारी मेरे और आपके कोई काम की नहीं है। चलते हैं आगे, यहाँ की हालत भी आप देख सकते हैं, पूरी बाउंड्री जो है वो टूट चुकी है, मैं यहाँ पास जाना नहीं चाहता क्योंकि ये एक्चुअली पुराना हो चुका है, तो कब क्या हो जाए मेरे साथ इसलिए मैं दूर चल रहा हूँ, थोड़ा संभल कर आना होगा हमें, और क्योंकि उस साइड से सीढ़ियाँ नहीं हैं तो थोड़ा सा ऐसे आना होगा। मैं भाई को भी बुला लेता हूँ, आ जाओ।
गाइस उसके करीब पहुंचने वाले हैं, क्या है उसके अंदर नहीं पता, पर लास्ट का वही रह चुका है एक मीनार।